हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की मानी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एम&एम फाइनेंस का हम लोग का एक पोजिशनल ट्रेड चल रहा है उसी के ऊपर एक अपडेट है और ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आप पोजिशन अभी तक नहीं भी लिए हैं तब भी ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि इसमें मैं जो है राइट्स एडजस्टमेंट के बारे में कुछ बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ये हम लोगों का पहला वाला एनालिसिस है जो हमने 18 जून के आसपास रिलीज किया था। और यहाँ पे दोस्तों एम&एम फाइनेंस का आप देख सकते हो लेवल दिया हुआ था, बाई लेवल था 175 के आसपास और स्टॉप लॉस जो था 125 के आसपास था। लेकिन आप जानते हो कि हम लोगों का जो है 175 में इसका जो एंट्री है वो भी हो गया था, लेकिन उसके बाद राइट्स जो है वो अनाउंस हो गया कि राइट्स एडजस्टमेंट होने वाला है और उसी हिसाब से इसका बुक वैल्यू जो है वो भी एडजस्ट हो गया 22 जुलाई को एडजस्टमेंट हुआ था। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो नया एडजस्टमेंट हुआ था उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे कि अभी हम लोग का जो नया एंट्री प्राइस होगा, नया जो एवरेजिंग लेवल होगा और जो नया स्टॉप लॉस होगा क्या होगा, नया टारगेट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, राइट्स इशू होने वाला है तो हम लोगों के पास उतना मतलब एक महीना पहले तो खबर था नहीं, ये जो डिसीजन हुआ है ये अचानक हुआ है तो हम लोगों को भी इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नया वाला चार्ट में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि हम लोगों का अभी का जो लेवल है वो कहाँ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नया चार्ट में जो अभी का चार्ट आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है कि हम लोगों का जो एंट्री हुआ था 175 में हुआ था और उसके बाद ये चला गया था 240 लेवल के आसपास जहां से राइट्स एडजस्टमेंट के हिसाब से इसका बुक वैल्यू का एडजस्टमेंट हुआ और ये प्राइस डायरेक्टली नीचे आ गया 125 रुपीज के आसपास। तो अगर मैं यहाँ पे नया लेवल सब ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको ये चार्ट कुछ ऐसा दिख सकता है। फ्रेंड्स, जो राइट्स एडजस्टमेंट के हिसाब से हम लोगों का जो 175 का बाइंग प्राइस था वो अभी के लिए जो प्राइस है वो है 112.50, मतलब 175 का जो प्राइस में हम लोगों ने बाई किया था। अगर आप राइट्स को खरीदते हैं तो आपका जो प्राइस का एवरेजिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 112.50 पे, क्योंकि राइट्स के हिसाब से जो बुक वैल्यू एडजस्टमेंट हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग का 175 का जो प्राइस है उसका जो न्यू वैल्यूएशन होता है वो न्यू वैल्यूएशन 112.50 आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं तो आपको राइट्स इशू जो है वो खरीदना ही है प्राइस को एवरेजिंग करने के लिए। और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं किया है तो आपके पास और एक मौका आएगा, जब प्राइस 112.50 पे टच करेगा तब भी आप एंट्री कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, डरने का कोई बात नहीं है, जो लोग एंट्री कर चुके हैं उन लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो लोग राइट्स को खरीदें और प्राइस को एवरेजिंग करें 112.50 में। तो अगर आप प्राइस को एवरेजिंग करते हैं 112.50 में तो भी आप देख रहे हैं कि आपका जो ट्रेड है जो एग्जीक्यूट हुआ था 175 में वो अभी तक प्रॉफिटेबल में है, मतलब उसको अभी तक लॉस नहीं हुआ है, वो प्रॉफिट में ही है। और दोस्तों, ये 112.50 ये हम लोगों का नया बाइंग लेवल है। अगर आप यहाँ पे एवरेजिंग लेवल देखते हैं जो हम लोगों का पहले था 150 रुपीज के आसपास, वो अभी हो गया है 85 रुपीज के आसपास, मतलब अगर प्राइस हम लोगों का एंट्री के बाद नीचे आता है तो 85 रुपीज के आसपास हम लोग एवरेजिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, जो हम लोगों का स्टॉप लॉस था 125 के नीचे उसको अभी शिफ्ट कर दिया गया है 45 के नीचे, क्योंकि 45 तक प्राइस आ ही सकता है क्योंकि जो राइट्स इशू हो रहा है वो 50 रुपीज पे हो रहा है। तो दोस्तों, आप अगर नया एंट्री करते हैं या आप जो है पुराना एंट्री कर चुके हैं और आप राइट्स को खरीद रहे हैं तब भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 45 के नीचे होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिए कि हम लोग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी प्राइस टच करने से हम लोगों का स्टॉप लॉस नहीं होगा, कोई एक डेली कैंडल को 45 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा
और उसका भी लो ब्रेक होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मैं कम्प्लीटली एडुकेशनल पर्पस इसको पोस्ट करता हूँ। तो आप कभी भी ये सब लेवल के ऊपर आंख बंद करके ट्रेड ना करें, आप इसके ऊपर खुद का भी एनालिसिस लगाए, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भी बात करें और उसके बाद ही डिसीजन ले कि आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी आदमी जो है ह्यूमन बींग, मतलब एक ह्यूमन बींग कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। मेरा कोई भी एनालिसिस किसी भी वक्त गलत हो सकता है। तो दोस्तों ट्रेड करेंगे तो अपना एनालिसिस के ऊपर सोच समझ के कीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एडुकेशन देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स फिर से चार्ट में लौटते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस लेवल तो मैंने आपको बता दिया कि इसके नीचे कैंडल क्लोज होना पड़ेगा और उसका भी लो ब्रेक होना पड़ेगा। और फ्रेंड्स अगर ये ट्रेड अच्छा चलता है, मतलब ये ट्रेड जो है ऊपर जाता है, तो हम लोगों का जो टारगेट वन होगा वो अभी जो एडजस्टेड टारगेट वन है वो 175 रुपीस के आसपास होगा और जो नया टारगेट टू है, मतलब जो एडजस्टेड टारगेट टू है वो 225 रुपीस के आसपास होगा, मतलब 225 रुपीस के आसपास होगा। दोस्तों ये सब जो अभी टारगेट एंट्री एवरेजिंग सब लेवल दिया गया है ये इसी हिसाब से दिया गया है कि आप जो है वो राइट्स इशू जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इशू कर रहे हैं उसको आप खरीदते हैं, या फिर आप इसमें एंट्री नहीं किए हैं और इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप 112.50 पर नया वाला एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, आप इससे कुछ सीख भी पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को YouTube में जरूर लाइक करें और आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब Facebook, Twitter ये सब जगह पे शेयर करें। और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए और बहुत सारा अपडेट पाने के लिए हम लोगों का जो YouTube चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको लाइव मार्केट में गाइडेंस चाहिए या आपको कोई स्टॉक एनालिसिस मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो में।